ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। एक बार फिर से ब्लड लाइन की मदद से ड्रू मैकएंटायर आज के रॉ को ओवर विन कर चुके हैं। साथ ही साथ भाई ड्रू मैकएंटायर ने आज के रॉ को ऊपर सेथ रॉलिंस के ऊपर भी बहुत बुरा अटैक कर दिया। एग्जैक्टली कैसा था आज का पूरा मंडे नाइट रॉ आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमें कोडी रोड्स के द्वारा देखने को मिलता है, जहां कोडी रोड्स आकर रॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोडी रोड्स यहां पर बोलते हैं कि रॉक मैंने तुम्हें 1v1 मैच के लिए मैं तुम्हें चैलेंज किया था, पर तूने उस मैच को टैग टीम मैच के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पर कोई नहीं, मैं और सेथ रॉलिंस उसके बावजूद भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला हूं। मैं आने वाला हूं स्मैकडाउन के ऊपर तुमसे फाइट करने के लिए। साथ ही साथ हमें सेथ रॉलिंस भी वहां पर देखने को बोलते हैं। सेथ रॉलिंस इस बात को बोलते हैं कि हम लोग बहुत सहे, अब ब्लड लाइन को हम लोग सहने नहीं वाले। रॉक ने मेरा मजाक उड़ाया है, रॉक ने तुम्हारे कुत्ता का मजाक उड़ाया है, हर चीज का हम लोग बदला लेने वाले हैं। और भाई साथ ही साथ सेथ रॉलिंस भी इस बात को कंफर्म कर दिए कि अब वो करंट टाइम मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। मतलब भाई अब आपको सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स आपको स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलने वाला है फेस ऑफ करने के लिए रोमन रेंज और रॉक के साथ। ये चीज अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, इसमें अब कोई भी डॉट वाली बात है ही नहीं। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैकेज हमें एडम पियर देखने को बोलते हैं, जिनके पास सिंस्के नाकामुरा आकर मैच के लिए डिमांड कर रहे होते हैं। बेसिकली ये गुंथर के आईसी चैंपियंस बेल्ट के लिए यहाँ पर ये डिमांड कर रहे होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करें तो भाई आगे हमें शो के ऊपर हमें गुंथर का मैच देखने को बोलता है डॉमडॉम के साथ फॉर आईसी चैंपियंस बेल्ट के लिए। भाई डॉमडॉम पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी खा लिए थे कि भाई सीधे वो जाकर गुंथर को चैलेंज कर दिए थे। वैसे भाई इस मैच का रिजल्ट कुछ भी नहीं होता, बहुत आसानी से अकेले ही इस मैच के अंदर गुंथर विन कर जाते हैं। गुंथर को भाई अब अपना चैंपियंस बेल्ट को सीधे रेसलमेनिया 40 के अंदर डिफेंस करना। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें वुमेन्स डिवीजन का एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां जोई स्टार को सेना बेजलर दोनों मैच को विन कर जाती है। आपको पता है भाई करेंट टाइम में टैग टीम चैंपियंस बेल्ट है और डैमेज कंट्रोल के पास, तो डैमेज कंट्रोल यहां पर सिंपल रिंग के अंदर आती है और आकर जोई स्टार को सेना बेजलर के साथ यहां पर फेस ऑफ वगैरह करती है। और हां मैं आपको बता दूं भाई हमें बेली आज के रॉक ऊपर देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि भाई बेली शायद से स्मैकडाउन के ऊपर आपको देखने को मिलने वाली है। वैसे मे बी नेक्स्ट रॉक ऊपर आपको टैग टीम मैच इन दोनों टीम के बीच आपको देखने को शायद से मिल सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक स्टेज हमें गुंथर भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई गुंथर के लिए मैच एडवर्टाइज हो चुका था रेसलमेनिया 40 के लिए। हां उस मैच के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वैसे भाई हमें चैट केवल भी देखने को मिलते हैं, जिनका फेस ऑफ गुंथर के साथ देखने को मिलता है। चैट केवल को देखकर भाई गुंथर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है कि भाई चलो ठीक है यार तुम फिर से मेरे से मिल गए। भाई अगर आपको याद हो तो चैट केवल ने इस बात को बोला था कि मुझे अपना बेटा का बदला लेना है, मुझे गुंथर को हराना है किसी भी हाल में। देन इसको नेक्स्ट हमें बैक स्टेज का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां भाई डॉमडॉम का हालत बिल्कुल खराब हो चुका था। मामी उनका शरीर दबा रही थी, मामी बोल रही थी कि मतलब क्या जरूरी है तुम्हें गुंथर को चैलेंज करने के लिए। देन इसको डेवन प्रिस्ट इस बात को बोलते कि चलो ठीक है जो हो गया हो गया, अब आगे क्या सोचना इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि फिन वेलर और डेवन प्रिस्ट दोनों गुंथर के लॉन्डे को फेस करने वाला है टैग टीम मैच के अंदर। और यहाँ पर जेडी मैकडोना जाकर गुंथर को सिंगल मैच के अंदर फेस करेंगे। भाई जेडी मैकडोना का यहाँ पर भाई चेहरा देखने लायक था, वो समझ गए थे मुझे यहाँ पर बस फंसाया जा रहा है। देन इसको नेक्स्ट हमें रॉक ऊपर हमें बहुत बेहतरीन हमें मैच देखने को मिलता है बैकी लिंच और मोटी आंटी के बीच में। आपको बता दूं भाई इस मैच का क्वालिटी बहुत ज्यादा था। भाई मोटी आंटी ऐसे भी बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा वेट वाली है, तो बहुत इजीली मूव को परफॉर्म कर पा रही थी। दूसरी साइड अगर हम लोग बैकी लिंच का बात करें तो भाई एक्चुअली उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मतलब मोटी आंटी को लिफ्ट करने में। भाई इस मैच का एंडिंग थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिलता है, लिव मॉर्गन का इंटरफेरेंस इस मैच के अंदर हमें देखने को मिलता है। लिव मॉर्गन आते के साथ सबसे पहले मोटी आंटी के ऊपर अटैक करती है, साथ ही साथ वो बैकी लिंच के ऊपर अटैक करती है। वैसे भाई मोटी आंटी बाद में जाकर दोनों को साइड कर देती है, पर मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर सिंगल मैच बैकी लिंच और रिया रिप्ली के बीच में नहीं करवाने वाले, फेटल फोर वे मैच ऐसे करवाने वाले। और अब उस मैच के अंदर दो और रेसलर ऐड होते देखेंगे, सबसे पहले लिव मॉर्गन होगी, दूसरी हमारी मोटी आंटी होगी। वैसे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वैसे देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जेडी मैकडोना देखने को मिलते हैं, जो कि जाकर एडम पियर को इस बात को बोलते हैं कि मैं गुंथर को हरा सकता हूं, जो आप मुझे सिंपल तरीके से एक मौका दीजिए, एक मैच मुझे बना कर दीजिए, मैं गुंथर को बहुत इजीली हरा दूंगा। साथ ही साथ भाई यहां पर रिको से भी सेम इसी इशू को लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई मुझे भी मैच चाहिए मतलब गुंथर के साथ। देन उसके बाद भाई एडम पियर इस बात को बोलते हैं कि चलो ठीक है सबको मैच चाहिए, एक हम लोग काम करते हैं, एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी इसी बात को बताया था कि भाई डब्ल्यू वाले एक टूर्नामेंट को करवाने वाले प्रोबेबली। और आपको नेक्स्ट रॉ के ऊपर एक कॉन्टलेट मैच देखने को मिलेगा, जो भी इस मैच के अंदर विन करेगा सिंपल गुंथर को रेसलमेनिया 40 के अंदर फेस करने वाला है। आप लोग यहां पर सारे कंटेंडर का नाम देख सकते हो, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीतने का चांसेस सैमी जेन का है, साथ ही साथ हमारे सॉर्जी का है। सॉर्जी अगर आपको नहीं पता तो भाई मैं चैट कॉल के यहां पर बोल रहा हूं। वैसे भाई देन इसके बाद हमें बैक स्टेज हमें सैमी जेन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां सैमी जेन बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। सैमी जेन इस कॉन्टलेट मैच के एक हिस्सा है, तो भाई उनसे पूछा जाता है कि आप क्या इस मैच के लिए एक्साइटेड हो। सैमी जेन बोलते हैं कि मैं काफी टाइम से टाइटल होल्ड नहीं किया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मतलब मैच रेसल करने के लिए। इसके बाद हमें वहां पर आइवर देखने को मिलता है, आइवर इस बात को बोलते हैं कि अगर उस मैच के अंदर मैं होता तो मैं उस मैच को विन कर जाता, और सैमी जेन तुम्हारे वजह से मैं उस मैच के अंदर नहीं हूं, नहीं तो मैं गुंथर को हरा देता रेसलमेनिया 40 के अंदर। देन उसके बाद भाई सैमी जेन फिर गुस्सा में एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं इन दोनों के बीच में, फिर मैच हमें देखने को मिलता है बाद में। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के हमें बैक से फिर से एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां सारी वुमेन्स डिवीजन के मतलब टैग टीम सारे पार्टनर थी। और लिटरली डब्ल्यू वाले भाई नटालिया को रिटायर क्यों नहीं कर देती, इनके लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वैसे भाई डब्ल्यू वाले वुमेन्स डिवीजन के स्टोरी लाइन को कितना ज्यादा बुरा दिखाते हैं सारे लोगों को पता होगा। मेरे ख्याल से भाई इनके बीच में सिर्फ एक टैग टीम मैच के लिए प्लानिंग चल रहा था, डब्ल्यू वाले कभी भी करवा
करवा देगी इनका मैच। भाई मुझे ऐसा लगा था कि डब्ल्यू वाले शायद से रेसलमेनिया टाइम पर इनके ऊपर ध्यान देगी, पर भाई ऐसा डब्ल्यू वाले ने कुछ भी नहीं किया। देन इसका नेक्स्ट मैच रॉक पर हमें अंद्रादे देखने को मिलते हैं, जिनका भाई डेब्यू मैच था आज के रॉक पर अपोलो क्रूज के साथ। ऑब्वियस सी बात है भाई, अंद्रादे अपना फर्स्ट मैच करता तो भाई हार नहीं सकते, तो इस मैच के अंदर अपोलो क्रूज को ही हारना होता है। हां थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है भाई अपोलो क्रूज के लिए, पर भाई क्या कर सकते हैं हम। भाई फाइनली अंद्रादे को विक्ट्री मिल चुका आज के मंडे नाइट रॉक पर। वैसे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया भाई, डॉमडॉम जो बैक स्टेज थे तो यहाँ पर अंद्रादे उनसे आकर थोड़ा सा मतलब हेलो हाय किए थे। और भाई यहाँ से आप लोग ये आइडिया लगा सकते हो कि शायद से अंद्रादे भाई डॉमडॉम के साथ मतलब शायद से कुछ कर सकते हैं, फिर अंद्रादे शायद से डैमेज कंट्रोल जो फ्रैक्शन है उसके अंदर शायद से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाई डॉमडॉम ने डेवन प्रिस्ट को बोला भी था कि मतलब इसके ऊपर तुम लोग नजर रखना। मैं आपको बस बता दिया भाई इन लोग दोनों का मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है फ्यूचर के अंदर। वैसे देन इसका नेक्स्ट मैच शोको पर भाई हमें जजमेंट डे का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है गुंथर के लॉन्डे के साथ। और भाई मैं आपको लिटरली बता नहीं सकता भाई, मैं दो बार सोया हूँ, दो बार मैं जागा हूँ, उसके बावजूद भी मैं चल ही रहा था। लिटरली भाई ये मैच बहुत ज्यादा लंबा था, आप लोग इस मैच को देखिएगा, काफी कमाल का रेसलिंग इस मैच के अंदर हमें देखने को मिला। फाइनल वैसे अगर हम लोग मैच का रिजल्ट का बात करें तो भाई डेवन प्रिस्ट इस मैच के अंदर विन करके फाइनली विक्ट्री ले लेते हैं। हाँ भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा लंबा था, आप लोग सारे लोग जरूर से आकर इस मैच को देख सकते हैं। देन इसका नेक्स्ट मैच शोको पर हमें सैमी जेन का मैच देखने को मिलता है आईवार के साथ, और ये मैच भी काफी कमाल का था। सैमी जेन भाई नेक्स्ट भी कॉन्टलेट मैच के अंदर जाने वाला, तो भाई ऑब्वियस सी बात है सैमी जेन इस मैच के अंदर हार नहीं सकते, तो सैमी जेन इस मैच के अंदर बहुत आसान तरीके से विन कर जाते हैं, आईवार को हरा देते हैं। भाई मुझे ये नहीं समझ आ रहा डब्ल्यू वाले भाई पिछले एक दो साल से हर एक रॉक ऊपर आईवार का जरूर से मैच दे रही है, मुझे सच में समझ में नहीं आता भाई डब्ल्यू वाले आखिर आईवार के साथ क्या करना चाहते हैं। वैसे भाई जैसे ही सैमी जेन इस मैच को विन करते हैं हमें ब्रॉन्सन रीड देखने को मिलते जो क्या अटैक कर देते हैं सैमी जेन को, क्योंकि भाई नेक्स्ट रॉक ऊपर जो कॉन्टलेट मैच होने वाला उसके अंदर ब्रॉन्सन रीड भी एक पार्ट होने वाला है। डब्ल्यू वाले सिंपल तरीके से उस मैच को हाइप करने के लिए ये सारा चीज का सेटअप यहाँ पर किया। वैसे अगर हम लोग आज के रॉ का मेन इवेंट का बात करें तो भाई मेन इवेंट के अंदर सैमी जेन का मैच था ड्रू मैकइंटायर के साथ, और ये मैच भाई मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट भी नहीं चला होगा, भाई मेरे ख्याल से 10 मिनट हार्डली मैच चला होगा। वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां सारे रेसलर यहां पर 2K24 गेम यहां पर पहले से ही खेल रहे होते हैं, और बस मेरे ख्याल से भाई यहां पर बस एक प्रमोशनल चीज था, डब्ल्यू वाले यहां पर 2K24 गेम को प्रमोशन करना चाहते थे। और हां भाई हमें आर्ट्रूथ या फिर मिस की तरफ से कोई भी एक्शन आज के रॉक ऊपर देखने को नहीं मिला। वैसे वापस अगर मैच का बात करें तो भाई 15 से 20 मिनट का मैच था, हमें जेउसो का स्पीयर वगैरह सारा चीज इस मैच के अंदर देखने को मिलता है। इस बाद इस मैच के लास्ट मैच में क्या होता है हमें सोलो सिकोवा देखने को मिलते जो कि आकर अटैक करने का प्लान कर रहे थे, पर भाई लास्ट रॉक की तरह इस रॉक ऊपर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स आकर सोलो सिकोवा के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, सोलो सिकोवा को साइड कर देते हैं। इसका फायदा भाई ड्रू मैकइंटायर भी रिंग के अंदर उठाते हैं, पर भाई ड्रू मैकइंटायर स्टिल यहाँ पर जेउसो को पिन नहीं कर पा रहे। अभी हमें सामने से भाई नो ईट हमें देखने को मिलते हैं जो कि थे हमारे जिमी उसो, और भाई फाइनली जिमी उसो अपना डिस्ट्रैक्शन मतलब करने में सक्सेसफुल होते हैं। यहाँ पर हमें क्लेमोर किक देखने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर, भाई फिर से ड्रू मैकइंटायर आज के रॉक ओवर विन कर चुके हैं हमारे ब्लड लाइन के मदद से, मतलब ये चीज कंफर्म हो चुका है कि भाई रेसलमेनिया के अंदर भी शायद से ब्लड लाइन इंटरफेरेंस कर सकता है ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच के बीच। वैसे मैच जैसी खत्म होता है जिमी उसो भाई चेयर शॉट लेके आते हैं, पर यहाँ पर सेथ रॉलिंस हमें देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर, सेथ रॉलिंस जैसे रिंग के अंदर जाते हैं पीछे से हमें क्लेमोर किक देखने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर, और फाइनली भाई रिंग के अंदर ड्रू मैकइंटायर अपना स्टैंड टॉल करते हैं और ड्रू मैकइंटायर अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। वैसे आज का ओवरऑल आपको मंडे नाइट रॉ कैसा लगा सारे लोग कमेंट में बता सकते हैं, साथ ही भाई जिन लोगों को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।